गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हूँ मैं श्रीनगर में, और श्रीनगर में जहाँ रुका था भाई हजरतमल दरगाह, वहाँ से मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ, समथिंग 15 किलोमीटर, और वहाँ से मैं बस लेके आया हूँ क्योंकि उधर पे मार्केट में लिफ्ट नहीं मिलती है भाई। तो अभी आया हूँ मैं यहाँ पे जो क्या नाम है भैया, पारिमपुरा बस अड्डा। हाँ, पारिमपुरा बस अड्डा है, और ये मंडी में पड़ता है, यहाँ की जो श्रीनगर की मंडी है वहाँ पे पड़ता है। तो भाई लोग यहीं के हैं, शॉपकीपर यहीं के हो ना भाई? हाँ। श्रीनगर लोकल के हो दोनों भाई लोग? अच्छा, तो इनसे भी थोड़ा मैंने पूछा, वैसे मैंने मैप देखा था। तो अभी मैंने यहाँ से जाना है केरन, जो कि पड़ता है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। हाँ, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बट मेरे को पहले यहाँ से अब बारामूला जाना पड़ेगा। तो जो ये गाड़ी है, ये पीछे यहाँ का बस स्टैंड है, पारिमपुरा बस स्टैंड, ये देख पा रहे होंगे आप, ये इधर पे सारा बस स्टैंड है। तो अभी अगर जैसे आप अगर आप आते हो, तो अगर आपने गाड़ी से जाना है, पहले सबसे पहले तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके लिए ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, बट मेरे पे कोई गाड़ी नहीं है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना पड़ता है वहाँ पे। मैं आपके लिए वेबसाइट बता दूंगा, वो जो रजिस्ट्रेशन वहाँ के लिए डालना पड़ता है। बट अगर आपके पास ऑनलाइन नहीं रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आप, तो कुपवाड़ा जाके या आगे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है केरन। और केरन के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा। केरन भाई इंडिया में भी पड़ता है, पाकिस्तान में भी पड़ता है, एक विलेज है, यानी एक गांव है, जो कि आधा इंडिया में आधा पाकिस्तान में, बंटवारे के टाइम पे। आज भी इंडिया वाले भी उसको केरन बोलते हैं, उस गांव को पाकिस्तान वाले भी केरन बोलते हैं। बीच में एक नदी है, गांव एक ही है। तो वहां पे जाना है मैंने, बॉर्डर इलाका है भाई, वहां के लिए मेरे को आगे जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वैसे मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहा था वहां के लिए, बट मेरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास वहां के लिए कोई गाड़ी नहीं है मेरे पास, तो रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहे हैं वहां के लिए। तो देखता हूँ आगे जाके क्या होता है, बट अगर आप आते हो तो आपको यहाँ से गाड़ी लेनी पड़ेगी, श्रीनगर से पारिमपुरा बस अड्डा से। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डायरेक्ट वहां के लिए, गाड़ी नहीं मिलती क्या भाई? डायरेक्ट वहां के लिए गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, करना पड़ेगा। अच्छा, आप अगर जैसे इनका बोलने का मतलब है, अगर आप बुकिंग करके जाओगे फिर तो आप जा सकते हो, बट अगर आप मतलब ऐसे ही आ रहे हो मेरी तरह, मैं तो वैसे सोलो ट्रैवल करता हूँ, बट अगर आप ऐसी सवारी गाड़ी से जाना चाहते हो, तो यहाँ की जो सिटी बस है, टैक्सी है, यहाँ से जाती है पारिमपुरा बस अड्डे से, और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा आगे बारामूला से फिर आगे आपको जाना पड़ेगा केरन, यानी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है केरन। तो आज मैं जाने वाला हूँ, टारगेट मेरा केरन है। अब देखते हैं मेरे को कहाँ तक मैं पहुँचता हूँ, वैसे अभी परमिशन लेना बाकी, आगे जाने देंगे कितना दिन तक वेट करना है बाकी। अभी हूँ मैं यहाँ पे मंडी में, जो कि श्रीनगर की मंडी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे मार्केट लगती है भाई, काफी बड़ी मार्केट लगती है। सो गाइज, मैं परिमपुरा बस स्टैंड से काफी आगे आ चुका था भाई, और पैदल चल रहा हूँ, यहाँ देख लो पूरा पसीने पसीने से ही हो गया। यहाँ पे आज धूप बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैं यहाँ से समथिंग 2-3 किलोमीटर आगे आया था। यहाँ पे मेरे को एक भाई मिल गया, मैंने जस्ट उनको ऐसे ही पूछ लिया कि मैंने कहा भैया आगे तक छोड़ दोगे, बट एक किस्मत की बात है वो मिल गए मेरे को वहाँ कुपवाड़ा तक, उन्होंने जाना था कुपवाड़ा ही जा रहे हो ना भाई आप? हाँ, ये भाई है ब्रदर, ये कहाँ के आप वैसे भाई? हाँ, ये कहाँ पर था भैया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? अच्छा, ये यहीं से है लोकल वैसे, आपका नाम ब्रदर भाई है? अरुण श्री भट्ट। अच्छा, इनका नाम है अरुण श्री भट्ट, और इन्होंने भी वहीं जाना है जहाँ पे मतलब मैंने जाना है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से तो मैं आगे केरन जाऊंगा। यहाँ से कितना किलोमीटर भैया? 90 किलोमीटर जाना है मैंने इनके साथ, ये भाई की गाड़ी है, मैंने इसमें अपना बैग रख दिया भाई, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रख दिया बैग पीछे, भाई भी अकेला था, उनके साथ कंडक्टर था नहीं, तो अभी जा रहे हैं भाई के साथ। बाकी आपको केरन तक देखते हैं, आस पहुंचते हैं, भाई की गाड़ी है, इसमें जा रहा हूँ भाई साथ में। तो धूप देख रहे हो आप कितनी तेज धूप हो रही है, बहुत ज्यादा धूप हो रही है भाई, मैं समथिंग 2-3 किलोमीटर आ गया है, पूरा पसीने पसीने से हो गया, बनियान पूरी चूने लगी मेरी पसीने से, इतना पसीना हो गया। तो भाई के साथ जा रहा हूँ, बाकी मिलते हैं आपको कुपवाड़ा में, दिखाते हैं बीच बीच का व्यू। सो गाइस, अभी पहुंच चुका हूं मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, और जो ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट है ये पड़ता है श्रीनगर से 53 किलोमीटर। ये पीछे जो मेरे आप देख पा रहे हैं इस ऑटो में, भाई मैं आया हूं, इसी में जा रहा हूं आगे कुपवाड़ा, और जो आप पीछे देख पा रहे होंगे मेरे, ये है बारामूला डिस्ट्रिक्ट, और ये यहां पे जो मेरे बैकएंड में आप देख पा रहे होंगे, ये गर्ल्स कॉलेज है, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारामूला। बाकी आपको दिखाता हूं यहां का थोड़ा व्यू, ये बारामूला की मेन मार्केट है भाई, देख सकते हैं आप जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। अभी तो इधर पे ट्रैफिक है, इधर से हम आए अभी श्रीनगर से, मैं आया हूँ अभी श्रीनगर से, आगे को जाना मैंने आगे अभी कुपवाड़ा से भी केरन जाऊंगा, अब इधर को जाऊंगा, अभी देख सकते हैं इधर से ऑटो आ रहा है, इधर को जाना, बाकी एक बार मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ। I'm
सो गाइज फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अभी कुपवाड़ा। अभी शाम के 6 बज चुके हैं भाई, और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कुपवाड़ा का मेन चौक है। वहां पे लिखा हुआ आई लव कुपवाड़ा, कुपवाड़ा माई प्राइड। और ये देख सकते हैं भाई, ये है कुपवाड़ा का मेन चौक जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे अभी बारिश का मौसम पड़ रहा है भाई, अभी तो धूप लगी है बट थोड़े थोड़े बूंदे भी पड़ रहे हैं बारिश के, आप देख रहे होंगे हवा फुल चल रही है। और यहाँ पे पहुंचा हूँ मैं, यहाँ पे ये भाई भी मिला था मेरे को, कह रहे थे भाई कहाँ जाना, कहाँ से हो भाई? बिहार से हूँ मैं। बिहार से, क्या नाम है? मोहम्मद मुसाइब। हाँ मोहम्मद मुसाइब भाई है, इन्होंने बताया मेरे को कि इतना इतना किलोमीटर है। हाँ, तो इनसे पूछा था मैंने। बाकी अभी पहुंचा हूँ यहाँ पे, अब देखते हैं भाई कब तक पहुंचना है आगे। एक्चुअली यहाँ के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, तो थोड़ा लोकल लोगों से बात कर रहा हूँ, ऐसे मैंने पता कर रखा है। ऑनलाइन में कर रहा था परमिशन के लिए, बट ऑनलाइन में उसके लिए व्हीकल होना चाहिए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं ऑनलाइन में। मैं आपको वो जो साइट है उसका नाम बताऊंगा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। उस साइट पे जाके करना होता, कुछ नहीं करना होता, वहाँ पे सिर्फ डिटेल भरनी है, अपने आइडेंटिटी देनी होती है, उसकी फोटोकॉपी देनी होती है, उसके बाद वहाँ पे जो आपकी गाड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, उसके बाद आपका जो डेट है वो डालनी होती है। जैसे मैं यहाँ पे अगर अगस्त में आऊँगा तो जिस तारीख को मैं आऊँगा समथिंग, अगर 15 तारीख को आऊँगा तो मैं 15 से अगले 15 तक की भी डाल सकता हूँ, जुलाई तक की, मतलब ये डेट रहती है वहाँ पे, कितनी भी डाल सकते हो आप, एक महीना भी डाल सकते हो, एक महीना का गैप भी रख सकते हो। मतलब आप जो जाने की डेट और कहाँ कब तक मतलब रुकना है वो डेट डाल सकते हो, तो वो डेट का ऑप्शन आता है वहाँ पे, तो वो साइट बताऊंगा मैं आपको। बाकी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये भाई कुपवाड़ा, इसका व्यू दिखाता हूँ आपको। सो गाइज एक्चुअली जो साइट थी भाई जिसका मैं नाम बता रहा था, ये भाई लोग मिले, ये इसी भाई के साथ है, सारे भाई लोग बिहार के हैं, ये भाई लोग असीम भाई। अरे भाई अभी बिहार से हो? हाँ, सारे भाई लोग बिहार से। एक्चुअली जो साइट बता रहा था मैं आपको, जिस साइट का मैं नाम भूल गया था अभी, अगर आप आते हो ऑनलाइन आते हो और अगर आपने केरन जाना है तो उस साइट का नाम है ई पास कुपवाड़ा। ई पास कुपवाड़ा करके आपने गूगल में जो भी क्रोम आप यूज करते हो उसमें डालना है, उसके बाद आप वहां से जो साइट है उसको ओपन करके जो वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपने फिल करना है, सारी चीजें डालनी है, आधार कार्ड की आइडेंटिटी अपनी देनी है, डेट देनी है, और सबसे मेन चीज है जब तक आप जिस गाड़ी से आओगे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना पड़ेगा, तभी वो आपका एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद ऑनलाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब मेरे को ऑफलाइन कराना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा वहां पे। अब देखते हैं कौन से वाले पुलिस थाना से जाता हूँ, अब आगे मैं चेक करूंगा यहाँ पे, पूछूंगा किसी से। वैसे लोग बोल रहे हैं कि कुपवाड़ा के ही पुलिस थाने से हो जाएगा, अगर नहीं भी होगा तो मैं फिर आगे जाऊंगा वहां से, जो वहां के लिए मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी वो लूंगा, उसके बाद जाऊंगा आगे। बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइस ये देख सकते हैं भाई, माई कुपवाड़ा लव माई प्राइड, ये देख सकते हैं, ये है कुपवाड़ा का मेन चौक, वहाँ पे लिखा हुआ भी अगर आप पढ़ पा रहे होंगे। अभी ये ऑटो वाला आ गया भाई, ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ मेन चौक कुपवाड़ा। तो ये भाई कुपवाड़ा का मेन चौक, और ये इसकी मार्केट है, मेन जो मार्केट है ये देखो, यहाँ पे पता नहीं लग रहा, अभी तो बारिश टाइप की थोड़ी थोड़ी लगने लगी थी, धूप भी लगी हुई है भाई, फिर भी मतलब थोड़ी थोड़ी जो हवा के साथ जो बारिश होती है वो वाली लगने लग गई थी, बट अभी जो धूप आ नहीं रही थी वो भी आ गई कहीं से। अब देखो बादल देख लो आप कितने काले हो रहे हैं, रात को तो बारिश आ सकती है, देख रहे होंगे कितने काले बादल हो रहे भाई। और इधर का व्यू देखो कितना कैंट व्यू आ रहा, कितना प्यारा व्यू आ रहा। इस सारे जो पेड़ है ऊपर है, मेरे ख्याल से देवदार के ही पेड़ है, हाँ देवदार के ही है, और पूरी भाई पहाड़ी है इसके चारों तरफ, काफी अच्छा व्यू है। अगर ऊपर जाऊंगा तो ऊपर से आपको जो किरण वैली है वो प्रॉपर पूरी दिखाऊंगा, जब नीलम वैली भी, और किरण में तो जाना ही है मैंने, नीलम वैली पड़ता है उधर पे, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में,
सो गाइज मैं पहुंच चुका हूं अभी त्रेग्राम में, और ये त्रेग्राम प्रॉपर त्रेग्राम नहीं है, त्रेग्राम है। इसका नाम क्या भी है? त्रेग्राम। हाँ, ये भाई लोग लोकल भाई लोग हैं यहाँ के। ये त्रेग्राम जो पड़ता है प्रॉपर त्रेग्राम, वो यहाँ से 1 किलोमीटर समथिंग आगे है। और जो मैं अभी आया हूँ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया था मैं एक भाई से, इधर से आया मैं। ये वाला रूट आता है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, एक भाई के साथ आया था बाइक पे, वो बुलेट वाला था, ऊपर चले गए यहाँ से। अब यहाँ से मैंने जाना है, समथिंग 7 बज चुके हैं भाई, अंधेरा होने वाला है। और यहाँ से जाना है मैंने आगे करालपुरा। करालपुरा में एक्चुअली जब आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हो वहाँ के लिए, परमिशन के लिए होता है ना भैया, तो वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, अगर आप ऑनलाइन नहीं ले पाते हो। ऐसे मैंने ऑनलाइन का भी बताया आपको इसमें, तो अगर आप ऑनलाइन ले लेते हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ऑनलाइन नहीं ले पाते हो तो आपको करालपुरा में पुलिस स्टेशन है, मैंने भी वहीं जाना है। वो समथिंग यहाँ से भाई लोग मेरे को बता रहे, लोकल भाई लोग, ये बोल रहे हैं कि 7 किलोमीटर जाना है अभी आगे। तो मैं देखता हूँ अगर मिलती है मेरे को लिफ्ट वगैरह यहाँ से तो ठीक है, नहीं तो फिर इधर ही टेंट लगाना पड़ेगा भाई। बाकी मिलते हैं आपको अगर मैं करालपुरा में पहुंचूंगा, और वहां से अपना जो परमिशन लेके फिर आपको बताता हूँ। सो गाइज अभी हूँ मैं त्रेग्राम से, पहले एक जगह पड़ती है, ये भी इसका, ये भी त्रेग्राम ही है बट इसका नाम है हाइन त्रेग्राम। और यहाँ पे जो मेरे साथ बैठे हैं लोग, ये यहीं के हैं, ये लोकल लोग हैं यहाँ पे। और मैं आज वैसे मैंने जाना था करालपुरा में, बट करालपुरा में मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरे को सारे लोग मिले, और अंकल जी ने मेरे को बताया जो कि सरपंच है इस गांव के, तो इन्होंने मेरे को बताया कि अभी आगे नहीं जाना है, आज यहीं रहना है, आज हमारे घर पे रह लो, कि उसके बाद मैं कल निकल लेना है यहाँ से, क्योंकि अभी अंधेरा भी देख सकते हैं आप भाई, इधर पूरा अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है, पीछे देख पा रहे होंगे भाई लोग हैं यहाँ पे सारे लोग, ये यहीं के हैं लोकल। तो आज मैं यहीं रुक रहा हूँ अंकल जी के घर पे, बाकी सुबह मॉर्निंग में निकलूंगा यहाँ से आगे केरन के लिए, तो ये अंकल जी बता देंगे मेरे को सारा रूट, वैसे मेरे को पता है रूट, बट ये इन्होंने भी मेरे को सारी चीजें बताई। बाकी फेमस जगह है, हाँ जी, मस्जिद और मंदिर ही बता रहे थे अंकल जी की, वहाँ पे एक फेमस जगह है जहाँ पे मंदिर मस्जिद दोनों इकट्ठे हैं। तो अभी इतने लोग हैं सारे इसी विलेज के, जो भी जितने आपको दिख रहे होंगे सभी लोग हैं, काफी हेल्पफुल लोग है भाई, काफी हेल्प करी है मेरी, अभी बताया मेरे को कि अंधेरे में मत जा आगे, यहीं पे रुक ले आज, तो मैं यहीं रुक रहा हूँ आज। बाकी जो आज का ब्लॉग है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी आज का जो ब्लॉग है करते हैं यहीं पे एंड, होप करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए बाय।